हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवराज यादव। जैसा कि आपने मीटियोर की पिछली रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी, मैंने इस पर डिटेल रिव्यू बनाया। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। सो आज हम इसका मतलब अराउंड, गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, एक महीना ही हुआ है। सो आज मेरे साथ इसके ओनर ज्वाइन होने वाले हैं, जिनसे हम पूछने वाले हैं कि मीटियोर क्यों लिए, इतने ऑप्शंस थे फिर भी, देन बेस वेरिएंट क्यों लिया, जैसा कि ये फायरबॉल वेरिएंट है इस पर ही क्यों गए, ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल माइलेज कितना मिला, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे साथ आज ज्वाइन हो रहा है हर्षिल। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि ये मीटियोर का बेस वेरिएंट है फायरबॉल, तो इसकी ऑन रोड प्राइस क्या आती है, और सबसे मोस्ट कॉमन डाउट कि कितना वेटिंग पीरियड था इस पर? ऑन रोड प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये 2,15,000 की पड़ी थी, और एसेसरीज मिला के 5,000 और जोड़ सकते हैं आप, तो 2,20,000। वेटिंग पीरियड इस पर 3 to 4 months का था, पर लॉकडाउन की वजह से ये 5 महीने बाद आई है गाड़ी। लेट हो गई, मतलब बहुत ही लेट। तो मतलब ऐसा लगा होगा 3-4 महीने हो गए, आई क्यों नहीं अभी तक। हाँ, बहुत ईगरली वेट करा था, पर जो 5 महीने बाद आई है तो है चीज, सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह से। मीटियोर क्यों ली, बिकॉज अगर इस बजट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही आपके पास ऑप्शन थे, लाइक 350 में ही आप क्लासिक ले सकते थे, देन हालांकि 350X तो डिसकंटिन्यू हो गई थी, अगर देखा जाए तो बेनेली इंपीरियल, होंडा सीबी हाइनेस या फिर जावा ले सकते थे, मीटियोर क्यों ली? देखा जाए तो मुझे पहले से ही क्रूजर बाइक पसंद थी, और मैंने ये गाड़ी एक बार इंदौर में देखी तो फिर मुझे बस पसंद आ गई। हाइनेस जावा देखी, इतनी पसंद नहीं आई और मन बन गया बस। कहीं ना कहीं पहले से ही क्रूजर बाइक पसंद थी। कहीं ना कहीं मुझे थंडरबर्ड 350X बहुत पसंद थी, तो इसका अपग्रेडेड वर्जन है ये, और मुझे उसका ब्लैक्ड आउट लुक पसंद था, तो मैं इसके बेस वेरिएंट पे ही गया। सो अब बात करते हैं इसकी सर्विसेज की, तो कंपनी की तरफ से कितनी क्या फ्री सर्विसेज प्रोवाइड होती है, और अभी कितनी हो चुकी है? कंपनी की तरफ से 4 फ्री सर्विसेज मिलती है, बाकी उसके बाद पेड सर्विस है, और अभी पहले 500 किलोमीटर पे या 45 डेज जो भी पूरे हो जाए उस पे सर्विस है, और उसके बाद 5000 किलोमीटर या 6 महीने। मतलब अभी कौन सी भी नहीं हुई है 45, अभी कुछ भी 5000? हाँ, अभी कोई सी भी सर्विस नहीं हुई है। अभी अराउंड गाड़ी कितनी चल गई है, तो आप देख सकते हैं अराउंड 278 किलोमीटर ही चल चुकी है, मतलब अराउंड अब 15 डेज में सर्विस है ही इसकी। हाँ, 15 डेज में सर्विस है। सो गाइस, अगर आप बोलोगे तो हम आपके लिए इसका फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस भी लेकर आएंगे। अब बात करते हैं एक्चुअल माइलेज की। सो मैंने ऑरेंज नंबर पर एक माइलेज टेस्ट बनाया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्लासिक का। हालांकि अगर थंडरबर्ड से भी कंपेयर कर लो, मीटियोर से भी कंपेयर कर लो, तो कम ही है माइलेज, बिकॉज आप सबका मैं डाउट क्लियर कर दूं, मिथ क्लियर कर दूं, दोनों के इंजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो ARAI क्लेम माइलेज है 41 से 42 का, और कंपनी अराउंड 35 का क्लेम करती है, तो तुम्हें एक्चुअल में कितना माइलेज मिला है? माइलेज की बात करें तो अभी तो ज़्यादा चली नहीं है, 270 चली है, तो अभी 30 to 35 मैं अंदाजा बता सकता हूँ, और फर्स्ट सर्विस के बाद मिल जाएगा 35 से ऊपर। अभी बहुत कम ही दे रही है, अभी बहुत कम ही दे रही है। तो इसमें कुछ एसेसरीज मुझे लग तो नहीं रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा क्या कुछ एसेसरीज अभी तक लगवा ली है या नहीं लगवाई है, तो फिर फ्यूचर में क्या कुछ एसेसरीज लगाने का प्लान है? एसेसरीज में तो अभी कुछ टाइम नहीं मिला, तो अभी कुछ नहीं लगवाया है। लेग गार्ड लगवाना है और बैकरेस्ट लगवाना है। बैकरेस्ट पर्सनली पसंद है इसलिए लगाओ? हाँ, पर्सनली पसंद है, और पिलियन की सीट थोड़ी छोटी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि सेफ्टी वाइज बैकरेस्ट लगवा लूँ और सीट कवर्स लगवाऊंगा। मतलब घर पे कोई फैमिली मेंबर भी बैठता है, कोई फीमेल बैठती है, तो मतलब एज अ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से साड़ी गार्ड तो प्रोवाइड कराई है, बैकरेस्ट भी लग जाएगा, तो पूरी कंफर्टेबल राइड रहने वाली है। हाँ, मतलब गाइज, आप भी अगर गाड़ी ओन करते हो या लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले कुछ लगवाओ ना लगवाओ, आपको लेग गार्ड मस्ट लगवाना, बिकॉज पैर का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और गाड़ी अगर गिरती है तो आपका डायरेक्ट टंकी पर इम्पैक्ट आएगा, इसलिए ये सारी नीडेड एसेसरीज है, एज सच आपको कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। कौन सा लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस रहा है क्या, जिसमें पैची रोड्स पर कैसा रिस्पॉन्ड करा, वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं, वो शेयर करना, बिकॉज एज सच इतनी ज़्यादा चली नहीं है, 278-280 किलोमीटर्स गाड़ी चल गई है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा, वो एक बार व्यूअर्स के साथ शेयर कर देना। अभी एज सच कोई लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है, पर मैंने अप्रॉक्स 50 किलोमीटर राइड करी है, तो रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की, और 60 to 80 में बहुत शानदार तरीके से क्रूज करती है गाड़ी, कोई एज सच कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। 80 के आप आगे ले जाएंगे तो थोड़ा वाइब्रेशन फील होंगे, पर एज सच कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। मतलब 60-80 इकोनॉमी चला रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा हाई स्पीड पे आ जाते हैं वाइब्रेशन। और पैची रोड्स पर कैसा रिस्पॉन्स करती है, जर्क वगैरह तो नहीं आते? पैची रोड्स पे आगे का सस्पेंशन बहुत अच्छा है, और पीछे का हल्का सा स्टिफ है, तो पिलियन को थोड़ा ज़्यादा फील होता है,
बाकी अगर अकेले हो तो अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रहा है। ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल है। कुछ गाड़ी के कॉन्स जो पर्सनली लगे हो कि हाँ यार मीटियोर में ये कमी लगी मुझे पर्सनली? ऐसा अभी तो कोई कमी नहीं लग रही मुझे, बहुत अच्छा टॉर्की फील देती है गाड़ी। इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का। गाड़ी में क्या कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है, मतलब पर्सनली ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है बट कुछ ना कुछ ऐसी कमी लगी हो या पर्सनल क्या प्रॉब्लम फेस करी है जो कि आप, हालांकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी जो फर्स्ट सर्विस पे सॉल्व हो जाएगी शोरूम जाकर, बट फिर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम लग रही नई गाड़ी में तो क्या है? अभी गाड़ी में मेनली तो हीटिंग इशू है। मेरे हिसाब से फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस के बाद गाड़ी चलेगी तो अपना थोड़ा कम हो जाएगा। और रेनी सीजन में थोड़े ब्रेक नॉइज़ का इशू मुझे लगा, पर ये तो कोई मेजर इशू नहीं है। अगर आप पीछे बैठे हैं और राइडर एकदम से गाड़ी को एक्सलेट करता है तो आपका पीछे गिरने का जरूर खतरा है। इसमें बैकरेस्ट लग जाएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब ये दिक्कत है बट ऐसा है कि अगर आप अपर वेरिएंट लेते हो, स्टेलर या सुपरनोवा लेते हो, तो उसमें आपको सीट रेस्ट मिल ही जाता है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल तो देकर रखे हैं, या तो फिर राइडर को पकड़ो अगर आपको सेफ्टी चाहिए पीछे। सो ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, बट लास्टली यही पूछना चाहूँगा मीटियोर को लेकर सेटिस्फाइड हो और हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, मीटियोर लेना चाहिए या फिर कौन से और अदर ऑप्शंस जो है इसके कंपटीटर्स उस पर जाना चाहिए? मैंने लिया है ब्लैक कलर, कस्टम करवाया था और इस पे पब्लिक रिएक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको बैठकर भी दिखा देता हूँ। मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 feet है तो बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। मतलब 6 feet हाइट है, कोई भी दिक्कत नहीं आती और आप देख सकते हो मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं फिट ही लगती है। मतलब अगर आप जावा पर कहीं ना कहीं बैठोगे तो तुम्हारे हाइट के हिसाब से छोटी थी वो। हाँ, और बाकी चलाने में हैंडल वगैरह पोस्चर बहुत अच्छा है इसका। आगे गियर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप रेगुलर 30-50 किलोमीटर्स भी ड्राइव करते हैं तो आपके लिए मीटियोर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अवेलेबल। तो गाइस अगर आप एक बाइक एंथुसियास्ट हो, रॉयल इनफील्ड की बाइक ओन करना चाहते हो, तो आपके लिए 350 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मीटियोर ही रहने वाली है। सो गाइस हमने सारे क्वेश्चंस तो कवर कर ही लिए और इसे भी मतलब वीडियो में ऐसा बोलने की आदत नहीं, इसलिए आप इसकी मतलब ऐसा इग्नोर करना है, सच कैमरा फेस करने की आदत नहीं है तो थोड़ा डर रहा था। बाकी इसने अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस तो दे ही दिया है। लास्टली यही पूछना चाहूँगा व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, लेना चाहिए कि नहीं ये गाड़ी? मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी को लेके। और अगर आप बाइक एंथुसियास्ट हैं तो मीटियोर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये सब्जेक्टिव है। ओनर टू ओनर डिपेंड करता है ये सब। अगर आपका पर्पस ज्यादा क्रूजिंग करना है और राइड्स करना है तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। सारा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, गाड़ी को लेकर ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है बट फिर भी जितना जेन्यून एक्सपीरियंस था वो आपके साथ हर्षिल ने शेयर करा। फर्स्ट सर्विस की वीडियो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फर्स्ट सर्विस के बाद क्या माइलेज में डिफरेंस आता है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद राइड रिव्यू भी आने वाला है, इसलिए आप चैनल पर बने रहना। सो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।